अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सारण के DIG रविंद्र कुमार सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने बीती रात निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान पे हुई फायरिंग की घटना को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। DIG ने बताया कि विधान परिषद के निर्दलीय प्रत्याशी पर स्कॉर्पियो सवार अज्ञात बदमाशों ने हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महुवल गांव समीप अत्याधुनिक हथियार से अंधाधुंध फायरिंग मामले की खुलासा जल्द ही होगा। किसी भी कीमत पर अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। हर हाल में पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजेगी। सिवान में माहौल खराब करने वाले बदमाशों पर पुलिस की नजर है। DIG ने समाहरणालय में देर शाम पुलिस पदाधिकारियों संग बैठक कर निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्र में शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष छापेमारी अभियान चलाएं, लूट और चोरी की घटनाओं पर रोक लगाएं। अगर किसी भी क्षेत्र में इस तरह की घटना होती है तो संबंधित थानेदारों पर कार्रवाई होगी। DIG ने कहा कि अगर आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में रात्रि गश्ती को और तेज करें और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी करें। DIG ने कहा कि सभी पुलिस पदाधिकारी जनता की समस्या को गंभीरता से लेंगे, उनकी बातों को सुनने के बाद कार्रवाई करेंगे। जमीनी विवाद से संबंधित मामले पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मौके पर पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा, सदस्य DPO जितेंद्र पांडे सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। क्राइम से संबंधित ही समीक्षा करने आए हैं। अभी हाल के घटनाओं पर समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा क्या व्यवस्था की गई है, रात्रि गश्ती, दिन की गश्ती, अनुसंधान में क्या प्रगति है, मेजर हेड में शराबबंदी में क्या कार्रवाई की जा रही है, यही सभी की समीक्षा की जाएगी। सर, कल रात में जो घटना घटी है, उसमें सर क्या घटना के जानकारी ली गई है, अब उसमें उसी की समीक्षा की जाएगी। उसमें क्या प्राप्त हुआ है, जब्ती क्या क्या हुआ है, कौन लोग शामिल हैं, हाँ उसके लिए हम लोग तत्पर हैं, पुलिस तत्पर है। इसमें आधुनिक हथियार का यूज किया गया है? हाँ, आशंका ऐसी व्यक्त की जा रही है कि आधुनिक हथियार का किया जा रहा है, तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी और जो भी है उसको जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। थैंक यू।